की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर के लाल चौक के प्रेस क्लब से इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के मार्फत हमारे यहाँ कुपवाड़ा के अध्यक्ष कयूम साहब और मेरी बाई तरफ बैठे हैं हमारे महामंत्री सैफुद्दीन साहब और महिला अध्यक्ष हमारी शाजिया बहन बैठी हैं, इन्होंने रखवाई है। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि पिछले दिनों के अंदर एक दो वर्षों में हमें हमारे गुर्जर समुदाय को जो हमारी कई वर्षों से मांग थी कि एसटी आरक्षण दिया जाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया जाए और हमें एसटी एससी एट्रोसिटीज एक्ट दिया जाए, जो कुछ वर्ष पहले हमारे को मोदी जी की सरकार ने और कश्मीर के नागरिकों के सहयोग से मिली, उसका अभिनंदन और धन्यवाद करने के लिए हम आए हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये हकूक हमें दिए गए हैं, इसके लिए हमारे नागरिकों को, बॉर्डर एरिया में हम रहते हैं, कमजोर इलाके में रहते हैं, शिक्षा की कमी है, मोबाइल उनके पास है नहीं, उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए हमारी महासभा ने फैसला किया कि हम हर बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और ये बात बताएंगे कि जो आपको हकूक कश्मीर वासियों ने दिए हैं, कश्मीर के नागरिकों ने दिए हैं, कश्मीर की गवर्नमेंट ने दिए हैं, भारत सरकार ने दिए हैं, मोदी जी ने दिए हैं, इनका देने से काफी नहीं होगा, आपको इन हकूकों को अब सरकार के कर्मचारी अधिकारी उनसे लेना पड़ेगा। क्योंकि साहब तंत्र तो हमारा अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है और अधिकारी ज्यादातर वो अपना उतना ही काम करने में दिलचस्पी लेते हैं जिससे उनका रिक्वायरमेंट होता है। अब ये सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बनती है। इंटरनेशनल गुर्जर महासभा ने जिस प्रकार से इसको गांव गांव जाने का, हम पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं, अगले 5-10 दिन में और गांव गांव हमारा दौरा रहेगा, बताने का प्रयास यही है हकूक मिलना एक बात है, हकूक को अंजाम पहुंचाना सबका सहयोग चाहिए। दूसरी बात, हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक हमारे जो फॉरवर्ड एरियाज हैं, करना का एरिया, वहाँ हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या है, दूसरे वहाँ पर पहाड़ी लोगों की भी समस्या है, वहाँ पे कश्मीरी लोगों की समस्या है। मोदी जी आपको पता है इस बात का, गवर्नर महोदय आपको भी पता है कि 6 महीने तक अगर किसी को इलाके से काट दिया जाए तो गरीब कैसे जिंदा रहेगा। तो जो टनल की मांग है हमारे वली अहमद साहब, जो हमारे कश्मीरी पहाड़ी हैं, वो गुर्जर नहीं है, उन्होंने हमें इससे गुजारिश की, हम जुड़ गए, एक हो चुके हैं पहाड़ी गुर्जर, और ये टनल की मांग हमारे इन लोगों की रखी है। इसके साथ साथ जो ये पूरे पहाड़ी लोग जब कश्मीर में श्री अगर आना पड़ता है सरकारी काम के लिए, साहब बीमार हैं, आपका हेडक्वार्टर्स है, किसी को जाना होता है, एग्जाम देना होता है, तो इनके भवन नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, गरीब आदमी है। और देखिए यहां पर सरकारी बसों की आने जाने की दूर दराज के इलाके में व्यवस्था नहीं है। मैं उस इलाके से आ रहा हूं जहां मैं सोच नहीं सकता कि एक व्यक्ति बिना सरकारी ट्रांसपोर्टेशन के कैसे जिंदा है। तो मैं कश्मीर वालों से गुजारिश करूंगा, गवर्नर महोदय आप चाहे सो करें, बॉर्डर इलाके में बसों की व्यवस्था करें, मिनी बस की व्यवस्था करें, एक व्यक्ति को आप तक आने के लिए उसको 500 से 700 रुपए किराया देना पड़ता है, जबड़ी इलाका है, आप तंग धार जाइए, कहीं भी जाइए।